नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात कर रहे हैं धारूहेड़ा में हुई आम आदमी पार्टी की जनसभा की। रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सतीश यादव के समर्थन में 22 सितंबर की देर शाम हुई इस जनसभा में आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह विशेष रूप से पहुंचे और प्रवासी मतदाताओं के बीच अपनी बात कही। आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। रेवाड़ी में कांग्रेस में भाजपा के बीच सतीश यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जमकर पसीना बहाया हुआ है। धारूहेड़ा की जनसभा से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान भी यहां पहुंचे, लेकिन मान का अधिक प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत मान से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पानी का हक देने का सवाल उठा दिया। यह अलग बात है कि इतना होने पर भी सतीश यादव के व्यक्तिगत संबंधों के कारण रोड शो कामयाब रहा, लेकिन धारूहेड़ा के सेक्टर 6 की जनसभा ने सतीश को धारूहेड़ा क्षेत्र में बैकफुट से फ्रंट फुट पर ला दिया। सतीश को अगर हर बार दूसरे स्थान जैसी स्थिति से बचना है तो उन्हें रेवाड़ी सिटी को अपने पाले में करना होगा। रेवाड़ी में अभी कांग्रेस और भाजपा के बीच सतीश को जगह कायम रखने के लिए मेहनत करनी होगी। सतीश के लिए प्लस पॉइंट यह है कि आप पार्टी उनके चेहरे में भविष्य की उम्मीद देख रही है। यही कारण है कि भगवंत मान और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी रेवाड़ी आएंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार केजरीवाल 29 को रेवाड़ी के अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सतीश के साथ जुट रही भीड़ को लेकर कुछ लोग यह कहते हैं कि इस भीड़ को ही अंतिम समय तक वोटों में तब्दील करने में पूरा जोर लगाना होगा। जब लोग कांग्रेस में भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई की बात करते हैं तब आप पार्टी का सिपाही नुकसान में दिखता है, लेकिन जहां पर त्रिशंकु विधानसभा की बात होती है वहां सतीश के आम लोग भी उम्मीद देख रहे हैं। 5 सितंबर को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर मतदाता का मूड किस धारणा को पकड़ता है उसी पर भविष्य का राजनीतिक सीन निर्भर करेगा। आइए अब आम आदमी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, डॉक्टर सुशील गुप्ता और सतीश यादव की प्रमुख बातें सुनते हैं। इस बार सतीश यादव के आगे जो झाड़ू के आगे बटन होगी उसको दबा देना, इनको यहां से जिता देना, हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा देना। और बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बार हरियाणा के अंदर जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। सारे सरकारी हस्तों के विषय में कन्वर्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गारंटी है वही व्यवस्था हरियाणा के अंदर भी करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था जो हमने दिल्ली के अंदर करेंगे। अरविंद केजरीवाल के पास एक जादू है जो 24 घंटे बिजली देता है। अभी एक भाई मेरे से पहले आया था ना, कह रहा कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिजली जाएगी, रात को खाद खत्म बिजली के बाद सरकार की गारंटी है, कह रहा था कविता के माध्यम से। मैं कह रहा था 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त मिलेगी। दिल्ली में मुफ्त दे रहे और पंजाब में भी मुफ्त दे रहे, इनकी तरह झूठी गारंटी नहीं हमारी। जो काम कर रहे हैं पक्का कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को जो छलने का काम कर रहे हैं, 134 जो बच्चों के पढ़ाई के नाम पे जो छलने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को क्या कहूं मैं। ये तो है ही झूठे और जुमलों की पार्टी, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द और अल्फाज भी नहीं है। मेरे कंठ सूख जाते इनकी रोते रोते, इनको हर घड़ी हर चौक हर चौराहे पर रो रहा हूं। और ये सतीश नहीं रो रहा, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र रो रहा है, हम सभी रो रहे हैं, यहाँ का जन जन रो रहा है और मेरी माँ बहन बेटी रो रही है। और ये लोग जो जो सत्ता में जो आज के दिन बैठे हैं ये भी बेचारे अंदर कमरे में रो रहे हैं, हम चौड़े में रो रहे हैं, भरत के इतना है कमरे में, ये भी बैठ के रो रहे हैं। आज क्या मेरे इलाके की हालात है, कहाँ जाए हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ हमारे इंडस्ट्री एरिया होने के बाद हमें बाहरी के नाम से ऊपर भगा दिया जाता है, यहाँ के लोकल होने के नाम से, कि आपसे लोकल हो आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा।